खेलो इंडिया जैसी योजनाएं लेकर आए, टॉप जैसी स्कीम के कारण पोडियम तक पहुंचने का अवसर मिला, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई कमी किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षण में नहीं रखी। कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई, जांच भी पुलिस कर रही। आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है, जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। जिस तरीके से रेसलर्स के ऊपर विसर्जित कर देंगे अपने मेडल, आप स्पोर्ट्स मंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी चुप्पी साधी हुई है, आप बोलते नहीं हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी इस पे कुछ अपील नहीं करी। देखिए, खिलाड़ियों ने जो बातें उठाई, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहाँ एक और खेलों का बजट 874 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2782 करोड़ रुपये से ज़्यादा, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं लेकर आए, टॉप जैसी स्कीम के कारण पोडियम तक पहुंचने का अवसर मिला, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई कमी किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षण में नहीं रखी गई, 300 बड़े खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं जो लगभग 2700 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे हैं, ये सब खिलाड़ियों की जो उम्मीदें हैं उनसे ज़्यादा करने का हमने काम, एक प्रयास था हमारा, अभी हम और करना चाहते हैं, भारत को खेलों के क्षेत्र में और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन जहां तक खिलाड़ियों की मांग, कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया, रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेम्बर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने के वो भी किया गया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जाँच की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। जो जो कहा, हर गोल पोस्ट, अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया, हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी, खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई, जाँच भी पुलिस कर रही है। और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है, जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है, तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जाँच हो और जाँच के बाद उचित कार्रवाई हो। पुलिस जाँच कर रही है, जाँच पूरी होने का इंतज़ार करना चाहिए, कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी और खिलाड़ी को और खेलों को और इस पूरे उसमें कोई किसी को नुकसान हो। बहुत सारे उभरते हुए खिलाड़ी अपना तैयारी भी कर रहे हैं, एशियन गेम्स आ रही हैं, बहुत सारे अभी जो ट्रायल्स लिए गए, हज़ारों खिलाड़ियों ने भाग लिया, हर राज्य के खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया और उनको चयन करके अब उनके कैंप्स भी चल रहे हैं। हम जल्द ही एशियन गेम्स में जो खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं उनके लिए ट्रायल्स भी करने वाले हैं, और जो WFI है निकट भविष्य में उसके चुनाव भी होंगे, एक नई बॉडी भी चुनकर आएगी। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो कहा, WFI के प्रेसिडेंट ने अपना स्टेप असाइड भी किया, अब WFI कोई निर्णय नहीं लेता है, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया वो दिन प्रतिदिन रोज के निर्णय वो करती है, तो सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। आखिरकार जांच तो नियमों के अनुसार ही होगी, कानून के अनुसार होगी, और जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी।